तेरी धोखाधड़ी आज की नहीं बरसों पुरानी कहानी है, लेकिन ये मत भूल चुड़ैल लोग के भी उसूल होते हैं। अगर वादा दिया है तो तुझे पूरा भी करना पड़ेगा, समझी? इसीलिए कहते हैं बद अच्छा और बदनाम बुरा। मतलब कि ये चक्री रानी मैं अपना वादा निभाने उसे लाल किवाड़ से आजाद करवाने गई थी, लेकिन वहाँ बहुत सारे बंधन हैं जिन्हें सुलझाने में मुझे कुछ वक्त लगेगा। और यही बात मैंने उस कान की कच्ची चारू से भी कही थी, लेकिन उसने तुम सबको मेरे ऊपर छोड़ दिया। वादा निभाना पड़ेगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये बंधन के नाम का बहाना बना रही है? असली बात तो ये है, इस बार भी इसे कोई नौजवान पसंद आ गया है। पसंद नहीं, बहुत पसंद। चुड़ैल लोग की बरगद की कसम, जब वो मेरे सामने आता है तो पूरी दुनिया गायब हो जाती है। मुझे सिर्फ वही नजर आता है, उसकी हंसी, उसकी आंखें, उसके होठ। उफ। अच्छा बस कर, बहुत हुआ। क्यों, तुझे भी कुछ कुछ हुआ ना? वैसे सब सुन लो, अगर किसी ने भी उस पर अपनी नजर डाली तो उसकी आंखें नोच लूंगी। और प्यारी चक्री रानी, मुझे चुड़ैल लोग वापस जाने का कोई शौक नहीं है। वो शोर शराबा, वो माहौल आप ही को मुबारक। मुझे तो इस दुनिया में रहने का मकसद मिल चुका है। आरव, तारा, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारे कमरे से इतना शोर क्यों आ रहा था? कौन है तुम्हारे कमरे में? किससे बात कर रही थी? आवाजें तो यहीं से आ रही थी। मुझे अकेली जान से बात करने के लिए है ही कौन? मैं तो बस म्यूजिक सुन के अपना मन बहला रही थी। देखो तारा, सभ्य लोग इस वक्त शांति से सोते हैं, ना कि इतने शोर शराबे वाला संगीत सुनते हैं। तारा, अगर तुम्हें हमारे ओसवाल मेंशन में रहना है तो यहाँ के नियमों का पालन करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं तुम हमारी बात समझ गई होगी। जी आंटी। तारा, वो लाल आंखों जैसा क्या दिख रहा था वहां? आंखें नहीं, वो तो मेरा लाल चश्मा है। चश्मे, एक मिनट, ये देखो। अच्छा है ना? हाँ। देखो तारा, पिछले कुछ दिनों में हमारे परिवार के साथ बहुत कुछ गुजरा है। वो तो माता रानी का आशीर्वाद और पापा का दिया हुआ ये ताबीज। क्या हम सब बच गए? उन हादसों की वजह से हम किसी भी अजनबी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तारा। देखो, इस घर के कुछ नियम कानून और यहाँ रहने वाले हर इंसान को वो नियम कानून फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हें भी करना पड़ेगा। समझ गई, आई एम सॉरी। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। देखा वो तावीज, एक और बांध। वैसे इस घर में सबसे बड़ी बांध तो सिमर खुद है, जो हमेशा अपने परिवार के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। अब पता चला कि मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रही थी। इन सब के चलते मुझे हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ेगा और हर चाल बहुत सोच समझ कर चलनी पड़ेगी। OMG, इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ये बदबू बाहर से आ रही है या घर के अंदर से बाहर जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। गॉड, इतनी सारी मक्खियाँ मैंने इतनी सारी मक्खियाँ कभी नहीं देखी। ये मक्खियाँ भी बदबू की वजह से ही है। सिमर देखने गई है किचन में। बेटा तुम भी जरा जाकर देखो ना। ठीक है, जाओ चेक करो। नहीं नहीं नहीं, बड़ी माँ वहीं से बदबू आ रही है, बहुत गंदा है। संध्या ताजी और माँ का है, उनको नहीं आ रही क्या बदबू? बेटा घर के बाकी लोग गिरिराज और अदिति को लेकर मंदिर गए हैं। अच्छा, ये सब कैसे हुआ महाराज जी? रसोई का यार हमें भी नहीं पता सिमर। वो सुबह सब जब उठकर आया तो रसोई को इसी हाल में पाया था। हम भी बहुत चक्के से रह गए थे। ये सब देखिए, फ्रिज में रहने के बावजूद ये फल और सब्जियाँ खराब हो गई है। पहले मैं फ्रिज साफ कर देता हूँ, उसके बाद किचन साफ करता हूँ। पर ये सब हुआ कैसे? हमारी भी समझ में नहीं आ रहा सिमर बहू कि सब कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन यहाँ सारी चीजें सड़ी हुई है। सिमर बहू बुरा ना माने तो एक बात कहें, हमारे गांव में कहते हैं ना कि बिना वजह अगर खाने पीने की चीजें सड़ने लगे ना तो समझो आसपास कोई काला साया है जो हर अच्छी चीज को तबाह कर देती है, और उस तबाही की शुरुआत खाने पीने की चीजों से होती है। क्या खुशबू है, मन तो कर रहा है कि सारे फल मैं खुद ही खा जाऊं। क्या हुआ? अरे मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड। विवान, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। डोंट वरी बेबी, सब ठीक है। अब देखो, हम दोनों इस कमरे में अकेले, बाहों में बाहें डाले, ऐसे एक दूसरे के साथ हैं तो सब कुछ ठीक ही होगा ना? और अगर कुछ गलत होगा भी तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आई नो विवान, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार अजीब सी बेचैनी हो रही है। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि कुछ तो है जो सही नहीं है। आई नो बाबा, तुम ना उस तारा की वजह से परेशान हो, पर मुझे क्या लगता है ना कि अगर उसने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की ना तो सबसे पहले आरव भाई का नंबर आएगा। सुबह मेरा चार्ज आप कुछ काम था आपको? सिमर यहाँ नहीं है, मैं सिमर को बोलता हूँ आपसे मिलने के लिए। नहीं, मैं आपसे ही मिलने आई थी। आपकी थेरेपी का टाइम हो गया है, एक सेशन सुबह सुबह करेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा, और फिर उसके बाद ये फ्रेश फ्रूट्स। वो क्या है ना कि वो आजकल आरव भाई के पीछे हाथ धो के नहीं पैर पकड़ के पड़ी हुई है। नहीं, आई एम फाइन, थैंक यू। और हाँ, सेशन के लिए जो भी यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। और आरव के बाद उसकी नजरें तुम पे टिक गई तो देखो, मैं पहले से कह रही हूँ, वो लड़की से ना कोसों दूर रहना। उसकी बातों में चाकी भी मत आना। ऐसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ, पहले फ्लर्ट करती है, फिर मीठी मीठी बातें करती है, फिर आके घुमा घुमा के लड़कों को फंसाती है। आप क्या कह रहे थे कि आपको थेरेपी की जरूरत नहीं है? देखा, दो कदम नहीं चल पाए और मुझ पर ही गिर गए। I'm so sorry, पता नहीं कैसे। आप यहाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, ये आराम से। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। ये जो पैर की नस है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए, नहीं, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। ये क्या कर रही हो तुम? उस लड़की से बचने के लिए और हर एक बला से बचाने के लिए डबल ताबीज बांध रही हूँ। लेकिन डबल ताबीज क्यों? क्योंकि मुझे उस लड़की पे रत्ती भर का भरोसा नहीं है। मुझ पे तो है ना। तुम्हें क्या लगता है कोई लड़की मुझे फंसाएगी और मैं फंस जाऊंगा? तुम पे तो खुद से ज्यादा भरोसा है विवान। शायद मैं कभी तुम्हें समझा नहीं पाऊंगी कि तुम मेरे लिए क्या हो, लेकिन अगर कभी भी तुम पे कोई मुसीबत आई ना, तो मैं उस मुसीबत को अपने पे ले लूंगी, लेकिन तुम पे एक आंच नहीं आने दूंगी। माता रानी से डील हुई है ना मेरी, कि अगर मौत भी आ जाए तो वो सबसे पहले मुझे दे। आज के बाद कभी भी ऐसा दोबारा मत बोलना। रीमा नहीं तो विवान नहीं। मेरी सांसें तुमसे, मेरी धड़कन तुमसे, मैं तुमसे हूं। तुम नहीं तो कुछ नहीं। चलो अच्छा है, मुझे मेरे आरव जी के साथ कुछ वक्त अकेले मिल जाएगा। आप ऐसे ही सोते रहिए और मैं आपको जिंदगी भर ऐसे ही देखती रहूं। तारा, तुम्हारा काम बस यहीं तक का था। थेरेपी हो गई है ना, अब आरव जी आराम करेंगे, तुम जा सकती हो। और वैसे भी तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई कॉलेज वॉलेज नहीं है क्या? वो कॉलेज से 2 दिन की छुट्टी मिली है, तो कॉलेज नहीं जाना है। एक मिनट, तुम्हें नौकरी चाहिए थी ना, ये कार्ड लो और मिस्टर अग्रवाल से जाके मिल लो। मैंने इनसे बात कर ली है और ये हमारी फैमिली फ्रेंड्स है, तो तुम्हें सेफ्टी इशू भी नहीं होगा। जाओ, जाके इंटरव्यू दे के रहो, और हाँ, अच्छे से इंटरव्यू देना, रिजेक्ट मत होना। वो क्या है ना, जितनी जल्दी तुम्हें नौकरी मिलेगी उतनी ही जल्दी तुम यहाँ से चली जाओगी। वैसे भी 7 दिन में से 1 दिन तो हो ही चुका है, बाकी के बचे 6 दिन, उसमें तो तुम्हें नौकरी ढूंढनी ही पड़ेगी ना, वरना 7वें दिन पे तुम्हारे सर से ये छत भी चली जाएगी। अब क्या देख क्या रही हो? जाओ इंटरव्यू देकर आओ, वो क्या है ना, इंटरव्यू में लेट जाना इज नॉट कूल। और तारा, ये तो अच्छी बात हुई ना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो तुम्हारे दीप। कितनी अजीब है ये लड़की, है ना? मैं भी कब से बोल रही हूँ, कितनी वियर्ड है ये। और एटीट्यूड देखा है, गॉश। पर दीप, आप भी बहुत रूड हो गए थे, बातों बातों में बहुत कुछ बोल कर। कम ऑन सिमर, मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहती। आई जस्ट कांट स्टैंड हर। इसलिए मैंने ये इंटरव्यू अरेंज करवाया है ताकि वो घर से बाहर जाए और मैं पीछे से उसके कमरे में जाके उसका सामान चेक करूं। मुझे भी तो पता चले कि ये है कौन और हमारे घर में रहना क्यों चाहती है। क्या हुआ सुमी? कुछ नहीं, बस ऐसे मन किया। वो मैं आपको कभी थैंक यू नहीं बोल पाती। ये जो बड़ी बड़ी आंखें दिखा के मुझे डांटती है, मुझे दूध का ग्लास पिलाती है, ये तो तेरा थैंक यू है मेरी छोटी सी गुड़िया। और वैसे भी बहनों के बीच थैंक यू वैक्यू नहीं होता, वो तो एक दूसरे के लिए अपने एक्शंस में ही प्यार जता देती है। बहनों का रिश्ता होता ही इतना अनोखा। वो क्या कहते हैं, Sisters before misters. तारा, तुम हो क्या? अच्छा है वो कमरे में नहीं, अब मैं अपना काम आराम से कर सकती हूँ। ये क्या, यहाँ पे तो सिर्फ कपड़े, मेकअप और ज्वेलरी है। एक मिनट, वो क्या है? ये खाने के डब्बे, वो भी इतने सारे कबर्ड में क्या छुपा के रखा है? ये तो यहाँ पे खराब हो जाएंगे, ये तो फ्रिज में होना चाहिए। पर एक मिनट, ऐसी कौन सी क्विजीन है जो इतनी छुपाई जा रही है? मैं भी तो देखूं।